गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू इर इंग्लिश क्लास टुडे वी आर डूइंग आवर ग्रामर टॉपिक मॉडल्स मॉडल्स क्या होते हैं इसका मीनिंग क्या है कहाँ इनको यूज़ करते हैं ये सब हम अच्छे से समझेंगे मॉडल्स आर वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मॉडल्स जो होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और वो यूज़ की जाती हैं सेंटेंस में ये बताने के लिए ये एक्सप्रेस करने के लिए कि स्पीकर का मूड कैसा है उसका एटीट्यूड कैसा है दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग्स सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी सर्टेनटी एंड नेसेसिटी सो

कि स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है उसका मूड कैसा है और मॉडल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती हैं ना ही पर्सन से और ना ही जेंडर से सो so, एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको बता दिया विल वुड शेल शुड मे माइट कैन कूड ऑट मस्ट डेयर नीड यूज टू नाउ कम टू द यूज ऑफ इट ये पता चल गया कि मॉडल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं भाई ठीक है नाउ दिस ऑक्सिलरी एक्सप्रेस द मॉड और मैनर ऑफ़ द एक्शन डिनोटेड इन द मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया मैनर को एक्शन का जो मैनर है उसको बताती है यानी कि मूड है एटीट्यूड क्या है स्पीकर का उसको बताती है तो पैक्यूलर नेचर ऑफ मॉडल इज दैट दे आर नेवर यूज बिफोर अलॉन दे आर नेवर यूज अलॉन हमेशा इनको अकेले हम यूज़ नहीं करते दे मस्ट हैव ए प्रिंसिपल वर्ब हमेशा मॉडल जब हम यूज़ करते हैं तो प्रिंसिपल वर्ब उसके साथ में हम यूज़ करते हैं सी द एग्जाम्पल यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स सी अनदर वन दे हैव द सेम फॉर्म थ्रू आउट वट एवर द पर्सन एंड ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट ओके दे हैव द सेम फॉर्म थ्रू आउट वट एवर द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब चेंज नहीं होगा चाहे पर्सन कुछ भी हो चाहे नंबर कुछ भी हो इट विल बी द सेम वन सी आई कैन सिंग दे कैन सिंग यू कैन सिंग यहाँ पर आई सब्जेक्ट है यहाँ पर दे सब्जेक्ट है सी आई यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, है और यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तीनों सेन्टेंसेज में अलग अलग सब्जेक्ट हैं बट कैन यहाँ भी सेम है यहाँ भी कैन है और यहाँ भी कैन है कैन क्या है आपका मॉडल है तो मॉडल विल बी सेम इट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय पर्सन और जेंडर ओके सो सेम नाउ थर्ड वन दे डोंट हैव एनी इन्फाइनिटीज़ और पार्टिसिपल फॉर्म इनकी कोई इन्फाइनिटीज़ और पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है वी कैन नॉट यूज़ टू विद दैम इनके साथ हम कभी भी टू यूज़ नहीं कर सकते द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और राइट कैन ड्राइवन एटसेट्रा ओके वी कैन यट यूज़ वी कैन नाट यूज़ टू विद दैम और द पास्ट पार्टिसिपल और राइट कैन ड्राइवन एटसेट्रा सो इन मोस्ट केसेस दे शो प्रजेंट और फ्यूचर टाइम मोस्ट केसेज कॉन्सर्ट टेंस ही यूज़ करते हैं प्रजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस जो है ये यूज़ करते हैं नाउ वन बाय वन हम इनके यूजेस को समझेंगे तो फर्स्ट वी आर टेकिंग कैन हम सबसे पहले कैन को ले रहे हैं यूजेस क्या हैं कैन के यूज़ क्या है इसके और इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे फर्स्टली एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट कैन हम किस लिए यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए कुछ करने के लिए एबिलिटी है प्रेजेंट में दूसरा परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट अगर हम परमिशन मांग रहे हैं टू डू समथिंग कुछ करने के लिए तो भी इन द प्रेजेंट टाइम ओनली तो हम तो भी हम क्या करेंगे कैन का यूज़ करेंगे सी एग्ज़ाम्पल देखो फर्स्ट का एग्ज़ाम्पल देखो आई कैन स्पीक इंग्लिश हेयर एबिलिटी की बात हो रही है कि वो इंग्लिश बोल सकता है परमीशन टू डू समथिंग इन द प्रजेंट तो कैन आई गो टू द स्नेमा वो परमीशन मांग रहा है कुछ करने के लिए तब भी आप कैन का यूज़ करेंगे इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्ट है तो अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़ तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं ऑफ़र इफ यू आर ऑफरिंग समथिंग अगर हम ऑफर की बात करते हैं देन वी कैन ऑल्सो यूज़ कैन i can land you my car till tomorrow suggestion can we visit grandma at the weekend possibility it can get very hot in delhi these days so ye this is your can and uses of it now come to the next one could could ke uses dekhte hain firstly एबिलिटी टू डू समथिंग इन कुछ का हम कहाँ यूज करेंगे एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट कैन का हमने कहाँ किया था प्रजेंट के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सब्सिट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू सी आई कुड स्पीक इंग्लिश हियर वी आर यूजिंग पास्ट टेंस परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट सब्टिट्यूट फॉर्म क्या होगी टू बी अलाउड टू सी आई कुड गो टू द सिनेमा हियर आल्सो ऑल्सो कुड पोलाइट क्वेश्चन क्या होगा पोलाइट क्वेश्चन कुड आई गो टू सिनेमा प्लीज कुड आई गो टू सिनेमा प्लीज सो दिस इज फॉर पोलाइट क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैन एंड कुड हमने अच्छे से समझ लिया है ना कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज इसी के ही कुछ और एग्जांपल्स देख लो कुड के ही जो हमने किया है इसका इसी के ही और एग्जांपल्स देखो हमने पोलाइट क्वेश्चन तक कर लिया था नाउ पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हम करते हैं तब इफ़ वी आर रिक्वेस्टिंग टू समन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़ पोलाइट ऑफर आई कुड लैंड यू माई कार मोरो पोलाइट सजेशन

परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रजेंट प्रजेंट में अगर हम कुछ करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं तब मे आई गो टू द सिनेमा और सब्टिट्यूट फॉर्म क्या होगी टू बी अलाउड टू पोलाइट सजेशन क्या है मे आई हेल्प यू पोलाइट सजेशन मे आई हेल्प यूकम टू द नेक्स्ट माइट माइट का देख लेते हैं माइट यूजेस क्या है माइट के और उसके एग्जाम्पल्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए लेस पॉसिबल देन मे मतलब पॉसिबिलिटी तो है लेकिन लेस पॉसिबल है मे से इट मे रेन टुडे लेस पॉसिबल देन मे मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी और माइट में कम सो लेस पॉसिबल देन मे इट मे रेन टुडे हेजिटेंट ऑफर जब हम किसी से हिचकिचाकर कुछ ऑफर कर रहे हो लेकिन मे आई हेल्प यू तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ माइट ना कम टू द नेक्स्ट वन मस्ट मस्ट की भी बहुत ईजी है यूजेस एंड एग्जाम्पल्स फोर्स अगर हम किसी को कर रहे हों या नेसेसिटी यानी कि हमारी ज़रूरत हो तब आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे ये हमारी ज़रूरत है पॉसिबिलिटी यू मस्ट बी टायर्ड आप बहुत थक गए होगे मतलब पॉसिबिलिटी है एडवाइस रिकमेंडेशन अगर कहीं पर हो आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विद ब्रैड Pitt. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मस्ट स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इट इज़ मस्ट नॉट इट वॉज मस्ट एंड इट इज़ मस्ट not. मस्ट नॉट must not. Must not देखो मस्ट नॉट और मे नॉट यूज़ क्या हैं और इसके एग्ज़ाम्पल्स देखो प्रोहिबिशन जहाँ पर हो आप किसी के लिए किसी ने आपको उस चीज़ के लिए सख्ती से मना कर रखा हो आप बोल सकते हैं अगर मान लो को हम कोई गैर कानूनी काम काम करते हैं और हमें उसके लिए सज़ा मिलती है सो दैट इज़ प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मस्ट इज़ ए लिटिल स्ट्रोंगर सो मस्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रोंगर है यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर दिस इज़ प्रोहिबिशन मीन्स स्ट्रिक्टली मना है डैड के कंप्यूटर पर काम करना यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर हेयर ये इतना ज़्यादा स्ट्रोंगली नहीं कह रहा है इस बात को लेकिन मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कम्प्यूटर में पूरी तरह से प्रोहिबिशन है मस्ट इज़ ए लिटल स्ट्रोंगर मस्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रोंगर है मे से ठीक है ना नेक्स्ट वन नीड नाट नीड नाट देख लेते हैं नीड नाट यूज़ एन एग्जाम्पल समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी जब कुछ ज़रूरी ना हो मतलब कुछ भी है लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है देन वी यूज इट लाइक आई निडेंट गो टू द सुपर मार्केट वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टू नाइट मतलब इट इज़ नॉट सो नेसेसरी इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट ना कम टू द नेक्स्ट वन और टू और टू का हिंदी में मतलब होता है करना चाहिए ओके ऑटो का कई बार बच्चे पूछते हैं बहुत इसका मीनिंग इसका मीनिंग होता है करना चाहिए सो सिमिलर टू शुड इट इज़ सिमिलर टू शुड टू जो है वो सिमिलर ही है शुड से टू साउंड्स ए लिटिल लेस सब्जेक्टिव ओके यूज़ देखो और एग्जाम्पल्स देखो इसके फर्स्टली एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर इट इज एडवाइस राइट इट इज़ ए

यूज़ इंस्टीड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन विल की जगह पर हम शेल का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए सजेशन के लिए यूज़ एग्ज़ाम्पल शल आई कैरी योर बैग सजेशन है यहाँ पर एन एग्ज़ाम्पल इज़ शल आई कैरी योर बैग और कहाँ पर यूज़ करते हैं हम शल को इट इज़ यूज इंस्टीड ऑफ़ विल इन द फस्ट पर्सन नेक्स्ट वन should, should, we use should for advice and obligation. see the examples. you should drive carefully in bad weather. it is advice. you must switch off the light when you leave the room. तो ये आपकी हो गई obligation. मतलब कहना मानेगा वो आपका. आप कुछ उसे बता रहे हो एक अच्छे बच्चे की तरह आप उसको obligation उब्लिक, के यहाँ पर आएगा ये. मतलब अगर आपके parent आपसे कुछ कहते हैं और आप उनकी बात सुनते हो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्लिकेशन ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विल विल हियर विल के यूजेस देखो विश रिक्वेस्ट और डिमांड या फिर ऑर्डर है तो हम इसे यूज करेंगे अगर कोई विश है रिक्वेस्ट है या डिमांड है तो हम इसे यूज करेंगे और इट इज़ लेस पोलाइट देन वुड ये वुड से लेस पोलाइट होता है कम पोलाइट होता है विल यू प्लीज शट द डोर प्रेडिकेशन में भी हम इसे यूज करेंगे एजम्पन प्रोमिस अगर कोई प्रोडिक्शन है कोई एजम्पन है या कोई प्रोमिस है तब भी हम विल का यूज करेंगे सी द एग्जाम्पल्स विल यू प्लीज शट द डोर इट वॉज ऑफ रिक्वेस्ट और डिमांड और विश और ऑर्डर नाउ आई थिंक इट विल रेन और आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे तो ये प्रडिक्शन है कि वो ऐसा सोच रहा है कि आज शायद ऑन फ्राइडे को जो है बारिश हो जाएगी आई विल स्टॉप स्मोकिंग ये प्रोमिस है दट समी ड्राइव मी टू द स्टेशन कैन सम बड़ी ड्राई मी टू द स्टेशन सो हियर इट इज यू कैन से

हम इसे यूज़ करते हैं बट इट इज़ पोलाइटर देन विल विल से थोड़ा पोलाइट होता है एग्जाम्पल वुड यू शट द डोर प्लीज अगर हैबिट्स की बात आई तो हम इसे यूज़ करेंगे समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स थर्टीन यूज टू इसके यूज़ देखिए और एग्जाम्पल्स देखिए पास्ट हैबिट के लिए हम इसे यूज़ करेंगे आई यूज टू प्ले इन दैट प्ले ग्राउंड वेन आई वॉज चाइल्ड पास्ट हैबिट है आपकी जब आप बच्चे थे तब उस प्ले में आप खेलते थे द एग्जिस्टेंस ऑफ सम थिंग इन द पास्ट तब भी हम इसे यूज़ करेंगे सी दे आर यूज टू बी एन ओपन ग्राउंड लॉन्ग अगो कोई चीज़ थी पास्ट में थी और उसके लिए भी हम इसे यूज़ करेंगे नाउकम टू नेक्स्ट अब आपके ये जितने भी मोडल्स uh, थे वो हमने सब के यूज और उनको हमने एग्जाम्पल्स उनके सबके हमने देख लिए हैं वन बाय वन हमने सारे कर लिए हैं अब कुछ क्वेश्चन हैं इन द ब्लैंक्स है जिनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ पाए हियर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स नीरज कह रहा है फादर देयर इज एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स मे आई टेक इट अप वट विल कम मे बिकॉज वो रिक्वेस्ट कर रहा है इफ़ यू थिंक यू कैन कॉप विद इट इन स्पाइट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स यू मे जॉइन इट वट विल कम मे जॉइन इट अब नीरज बोल रहा है आई डोंट थिंक शेल हैव एनी प्रॉब्लम्स आई शेल हैव एनी प्रॉब्लम्स आई के साथ शेल आई शेल हैव एनी प्रॉब्लम देन Sit up till late in the night, but father, but father, would you give me? Kya gay hapa? Here would will come. Would you give me 3000 that I have? It is have. I have deposit tomorrow. Now, father is saying you need not worry. What will come? Need not worry about that in case.